हाय एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्डियोफोबिया के बारे में। कार्डियोफोबिया को हर्ट एंजाइटी भी बोलते हैं। कार्डियोफोबिया दो वर्ड से मिलके बना है, कार्डियो और फोबिया। कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट और फोबिया का मतलब हो गया डर। यानी कार्डियोफोबिया का मतलब होता है कि हर टाइम अपने को ये डर लगे रहना कि भाई मेरे को हार्ट अटैक होएगा, हार्ट अटैक होएगा, मैं मर जाऊँगा, हार्ट अटैक होके मर जाऊँगा, इस तरह पूरे टाइम पे अपने को डर लगा रहता है। कार्डियोफोबिया ये एक ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं है, यानी इसमें हार्ट आपका नॉर्मल रहता है, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। कार्डियोफोबिया मेनली जब होता है जब अपन कोई ऐसी न्यूज़ सुन लेते हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, अपने घर में या रिलेटिव में कोई हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया, या फिर जैसे किसी पेशेंट को पहले हार्ट अटैक हो हुआ हुआ है और उसको भी यदि कुछ थोड़े बहुत सिम्टम आते हैं तो उसको फिर यही लगता है कि उसको दोबारा हार्ट अटैक हो गया है। कार्डियोफोबिया वैसे किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये यंगर जो एज वाले रहते हैं उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। जिस भी पर्सन को कार्डियोफोबिया होता है उसकी खुद की लाइफ, उसकी फैमिली की लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाती है और वो पर्सन का किसी काम में मन नहीं रहता है। उसको पूरे टाइम पे यही विचार आते रहते हैं कि उसको कभी भी हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो इस तरह उसका पूरा खुद का लाइफ और फैमिली का लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाता है। और जब भी वो ऐसी न्यूज़ सुनता है हार्ट अटैक की या कोई हार्ट अटैक से मर जाता है तो उसके सिम्टम एकदम से बढ़ जाते हैं और वो फिर हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाता है और टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, फिर वो घर आ जाता है, उसको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जब दोबारा वो कभी न्यूज़ सुनता है उसको वही दिक्कत दोबारा होती है, फिर वो भाग के जाता है, सब टेस्ट करवाता है, सब नॉर्मल आते हैं और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। यानी जैसे ही वो न्यूज़ सुनेगा कुछ उसको दिक्कत होगी, वो टेस्ट करवाएंगे, सब नॉर्मल आएंगे और इसी भागदौड़ में वो चलता रहता है, तो उसका पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। जो फोबिया को समझने की ज़रूरत है, इसमें आपका हार्ट एकदम से नॉर्मल रहता है क्योंकि आपने इतनी बार टेस्ट करवा लिए, हर बार आपका ईसीजी, इको, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका हार्ट एकदम नॉर्मल है। ये जो सिम्टम आपको आते हैं वो एंजाइटी के कारण आते हैं, यानी आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है वो सही नहीं है, वो जो भी आप एकदम से सोचते हो और उसका जो रिएक्शन है वो आपका प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, इस कारण आपको पूरा एंजाइटी होता है और ये सब सिम्टम आते हैं। कार्डियोफोबिया के जो सिम्टम आते हैं वो पूरा एंजाइटी के कारण होते हैं और जैसे ही अपने एंजाइटी होती है बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, वो एकदम से बीपी बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, जिसके कारण आपको आपका ऐसा लगेगा पाल्पिटेशन होएगा, आपकी धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, पूरे बॉडी में पसीना आ जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होएगी और आपको चक्कर भी आएंगे, आपका जैसे वोमिटिंग जैसे मन करेगा, आपका मुंह सूखा सूखा ड्राई माउथ हो जाएगा, कि आप किसी काम में मन नहीं लगा पाओगे, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, आपके हाथ पैरों में कंपन सी रहेगी, ट्रेमर आने लग जाएंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कार्डियोफोबिया में देखने को मिलते हैं और मोस्टली ये सिम्टम हार्ट अटैक से जैसे मिलते जुलते होते हैं। कार्डियोफोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट अपन करें तो इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ थेरेपीज रहती हैं, आपको साइकेटिक डॉक्टर से काउंसलिंग करना है, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है और कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आपको कुछ मेडिसिन भी देते हैं जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स हैं या SSRI मेडिसन्स रहती हैं जिससे आपके एंजाइटी कंट्रोल हो जाती है। और फिर लॉन्ग टाइम के लिए आपको एक CBT रहता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो दी जाती है। कार्डियोफोबिया के लिए आपको बार बार काउंसलिंग भी किया जाता है और आपके थॉट प्रोसेस को चेंज किया जाता है, उसके रिएक्शन को चेंज करते हैं, तो आपको किसी अच्छे साइकेटिक से कंसल्ट करना है, प्रॉपर उसके गाइडेंस में आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो आप पूरी तरह क्योर हो सकते हैं। थैंक्स।